नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, एक सवाल आया है और वो सवाल है किसी बाल नवीन शर्मा 5272 ने भेजा है। उन्होंने लिखा है, सर हम ट्रेड तो सही लेता हूं बट एसएल जल्दी हो जाता है और ट्रेड में ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाता हूं और एसएल होने के बाद हमारे साइड ही जाता है, फिर दोबारा हिम्मत नहीं होता है लेने के लिए, ऐसा 10 में से 8 बार होता है, क्या करूं? तो देखिए, ये सवाल तो एक नॉर्मल सवाल है और ये लगभग सारे लोगों के साथ होता है, और मैं बाल नवीन शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने सबका जो एक सवाल है वो कॉमन सवाल यहाँ पे भेजा है, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हालाँकि पहले भी मैंने कई बार इस सवाल का जवाब दिया हुआ है। देखिए, क्या है कि आपका 10 में से 8 बार एसएल कट जाते हैं, फिर वो आपके डायरेक्शन में चला जाता है ना? तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है आपको पता है? आप ना प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ। जैसे आपके साइड में जाता है लेकिन आप एंट्री नहीं ले पाते ना, पता है क्यों? क्योंकि तब तक में आपका लॉस ओवर हो चुका होता है। क्या हो गया होता है? लॉस ओवर हो चुका होता है, कैपिटल बहुत सारा जा चुका होता है, इसके वजह से आपकी हिम्मत नहीं करती है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो ट्रेड लिया ना, उसमें आपने ना कोई स्टडी नहीं किया था और ना ही आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया था। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लेते, प्रॉपर स्टडी करेंगे, तो आपको वहाँ पर काम करेगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हमारा जो साइकोलॉजी है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है और मार्केट, माइंड और मार्केट, मार्केट आपको एनी टाइम ये दिखाएगा कि वो आपके डायरेक्शन में है। मार्केट एनी टाइम वो कोशिश करेगा कि वो आपके डायरेक्शन में ऐसा दिखाने का स्क्रीन पे कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही आप एंट्री लेंगे वो वहीं से रिवर्ट हो जाएगा, वहीं से घूम जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हम जब तक एंट्री नहीं किए, हमारा माइंड पर वो प्रेशर नहीं होता है, हमारे माइंड पर वो लॉस का, वो रेड और ग्रीन का प्रेशर नहीं बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम रियल मनी लगा देते हैं, पैसा लगा के एंट्री लेते हैं, तो हमारे माइंड के ऊपर साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वो 2 पॉइंट नीचे आएगा तो आपका कैलकुलेशन दिमाग में स्टार्ट हो जाएगा कि 500 क्वांटिटी लिया है, 2 पॉइंट नीचे आ रहा है तो 1000 रुपये का लॉस, स्क्रीन पर तुरंत 1000 रुपये का लॉस दिखना हो जाएगा। और वो जो रेड निशान है, लाल निशान, खतरा, वो माइंड एक लेवल तक तो बर्दाश्त कर जाता है कि ऐसे चलो 1000 है देख लेते, 1200 देख लेते, 1500 देख लेते, उसके बाद फिर वो सारे कैपिटल जो मेन कैपिटल उसमें से बहुत तेज़ी से कटना शुरू हो जाता है और स्टॉक तब तक ऊपर नहीं घूमता है जब तक आप उसमें बैठे हुए। क्यों? इसका रीज़न ऐसा नहीं कि ये आपके साथ होता है, ये सिर्फ आपकी गलत एंट्री की वजह से होता है। आपने उस जगह पर एंट्री ले लिया जहां पर आपको एंट्री लेना नहीं चाहिए था, आपने किसी रेजिस्टेंस के पास एंट्री कर लिया है, बाय कर लिया, या आपने किसी सपोर्ट के पास सेल कर दिया, तो आपने प्रॉपर उसमें रिसर्च नहीं किया, प्रॉपर आपने उसके चार्ट को नहीं फॉलो किया, प्रॉपर आपने उसके सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया को, कैंडल को एनालाइज नहीं किया, और इसके वजह से आपकी एंट्री गलत हो गई और पोजीशन साइज ओवर हो गया, यानी कि ज़्यादा पोजीशन आप ले लिए, जितनी क्वांटिटी लेना चाहिए था उससे ज़्यादा आप लेके बैठे हुए, जिसके वजह से आपका लॉस स्क्रीन पर आपको ज़्यादा दिख रहा है। एक तो एंट्री गलत, ऊपर से आपके ने पोजीशन साइज भी गलत ले लिया क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, दोनों मिला के आपके दिमाग पे, माइंड पे माइनस इफेक्ट डाल रहा है, चूंकि माइनस दिख भी रहा है स्क्रीन पर, इसके वजह से क्या हो रहा है कि आप फिर हड़बड़ा के अपनी पोजीशन काट देते हैं। और जैसे ये मान लीजिए आपने रेजिस्टेंस के पास ही बेचा है, गलत जगह पे बेच दिया, वो आते 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 नीचे सपोर्ट पे आता है और आप उस समय तक बहुत पैनिक में आ चुके होते हैं और वहां पे आप काट देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि वो अब सपोर्ट पे आ चुका है, वहां से वो हो सकता है बाउंस कर जाए। इसके वजह से क्या होता है कि जैसे ही आप काटते हैं थोड़ी देर बाद आपको लगता है अरे ये तो मेरे डायरेक्शन में चला गया, नहीं, आपने एंट्री गलत जगह पे किया और एग्जिट भी गलत जगह पे किया। जहां पे आपको एंट्री करना था वहां आप एग्जिट कर गए और जहां पे आपको एग्जिट करना था वहां आप एंट्री कर गए, तो आपकी वो एंट्री और एग्जिट ये आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपका है क्योंकि आप प्रॉपर ना चार्ट को नहीं देख पा रहे। मैंने हमेशा कहा है कि आपको, हम सारे लोगों को चार्ट देखना है, बिना चार्ट के कुछ नहीं करना है। जब तक चार्ट नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं लेंगे। आप मेरा लाइव ट्रेड का वीडियो भी देखते होंगे, 3 स्टार का अगर वीडियो देखते होंगे, तो ये सब में मैं बताता हूँ कि इसके वजह से सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पर इसके वजह से एंट्री बनेगा और यहाँ पर यहाँ से एग्जिट बनना है। एक प्रॉपर रीज़न होता है बाय और सेल का। आप अगर विदाउट रीज़न, बिना रीज़न एंट्री करेंगे तो फिर आपको मार्केट बुरी तरीके से एग्जिट कर देगा। हर चीज़ के पीछे कारण आता है। आप, हम सभी संसार में आए तो कोई कारण है ना, तभी तो आए
है ना। इसी तरह कुछ भी हो रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कारण है ना क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसी तरह और बैटरी लगा हुआ है कैमरा में, मोबाइल में, तो मोबाइल ऑन है, उसके ऑन होने का कारण है। हर चीज़ का कारण होता है और आप बिना किसी कारण के एंट्री कर रहे हैं। वो कारण जब तक आपको पता नहीं होगा, मेरा एक कोट है, मैं हमेशा कहता हूँ पहले रीज़न पता करिए, विज़न अपने आप पता हो जाएगा। रीज़न और विज़न अगर क्लियर रहेगा तो आप मार्केट में टिके रहेंगे, आप मार्केट में बिल्कुल बने रहेंगे। तो आज से अपनी आदत सुधार लीजिए, आज से आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज़ ये 8 में से जो 8 बार ये प्रॉब्लम होता है वो हमेशा होता रहेगा, क्योंकि आप गलत जगह एंट्री कर रहे हैं। एंट्री आपकी अगर सही होगी, 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे हो सकता है एग्जैक्ट, ना तो कोई टॉप पे ले सकता है ना कोई बॉटम पे, लेकिन एंट्री अगर आपने कहीं पे भी गलत कर लिया तो फिर आपको एग्जिट मार्केट गलत जगह पे ही करवाएगा। हमेशा इस बात को याद रखिए। तो कसम खा लीजिए, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार है आपको, कि आप ओवर साइज नहीं करेंगे, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे और कम से कम चार्ट देख के ज़रूर एंट्री करेंगे, चार्ट देख के डिसीजन लेंगे, बिना चार्ट देख के डिसीजन नहीं लेंगे, चार्ट को स्टडी ज़रूर करेंगे। ठीक है, बाल नवीन शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।